Let's start with Educative Avi. Hi, I'm Avinash. Welcomes you to this beautiful session, जहां हम vitamins के बारे में पढ़ रहे थे. So friends, आज के session में हम देखेंगे B complex vitamins के बारे में. तो B complex vitamins जो हैं, वो एक series of vitamins हैं. ये कोई एक vitamin नहीं है, ये एक series of vitamin है, जिसमें various vitamins हैं, like vitamin B1, B2, B3, B5, B6. B7, B9 and B12. तो इस सेशन में हम इन विटामिन्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इनके डिफिशियंसी से कौन सी बीमारियां होती हैं और इसके सोर्सेस क्या हैं. सो बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स है वो एक सीरीज है, ये एक सिंगल विटामिन नहीं है. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, वेरियस विटामिन्स का एक सीरीज है और आज के इस सेशन में हम देखेंगे इसके डिफिशियंसी, इम्पोर्टेंस और सोर्सेस के बारे में. सो आगे बढ़ने के पहले हम एक पिछले लेक्चर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था दैट विटामिन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स. हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन. नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का एक एग्जाम्पल देखा था हमने विटामिन सी, जिसका बायोलॉजिकल नेम है एसॉर्बिक एसिड. फर्दर इसका फंक्शन हमने देखा था दैट एसॉर्बिक एसिड या विटामिन सी जो है वो इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है. तो एंटीऑक्सीडेंट होने का मतलब ये फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है, जिसके चलते बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल है जो बॉडी सेल पे अटैक करने वाले होते हैं, वो बॉडी सेल पे ना अटैक करके इस एंटीऑक्सीडेंट के साथ कंबाइन करके स्टेबल हो जाते हैं और उसके चलते जो पर्सन है वो हार्ट अटैक, एजिंग, इन सब बीमारियों से बच सकता है. तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि ये हमारे बॉडी का इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. सेकंड फंक्शन देखा था हमने दैट विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ कोलेजन प्रोटीन. एंड कोलेजन प्रोटीन क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर बोन फॉर्मेशन, टिश्यू रिपेयर और वुंड हीलिंग. ठीक है, फर्दर हमने देखा था दैट इट फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. और लास्ट फंक्शन इसका देखा था इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B9. B9 विटामिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है और रेड ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए लंग्स टू अदर बॉडी पार्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड अदर बॉडी पार्ट से लंग्स में लाता है और लंग्स के बाद वो एक्सहेल कर देता है. सेकंड हमने विटामिन सी का डिफिशियंसी के चलते देखा था स्कर्बी होता है. स्कर्बी में क्या होते हैं? कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाते हैं और कोलेजन प्रोटीन क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन फॉर्मेशन और टिश्यू रिपेयर के लिए. तो इस प्रकार हमने सोर्सेज देखा था विटामिन सी के, सोर्सेज क्या है? तो जो भी साइट्रस फूड है, जो भी खट्टे फल हैं वो इसके रिच सोर्स हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, टमाटो, गुआवा और गोजबेरी. गोजबेरी ये जो है वो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का. अगर हमने देखा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसका रोल देखा था हमने, तो गुड हेल्थ और वेलबींग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किस चीज पे? एनर्जी लेवल पे, ब्रेन फंक्शनिंग पे और सेल मेटाबॉलिज्म पे. फर्दर विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है बॉडी को कन्वर्ट करने में फूड इनटू एनर्जी, क्रिएट न्यू बॉडी सेल, मेंटेन हेल्दी स्किन एंड अदर बॉडी टिश्यू. इस प्रकार हमने ये देखा कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो एनर्जी लेवल, ब्रेन फंक्शनिंग और सेल मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल होता है. नाउ फर्दर हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन देखा था. तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो माइलिन सीथ को डेवलप करने में हेल्प करता है. इसको हमने एक सिंपल एग्जांपल से समझा था, ये एक आपका नर्व सेल का एग्जांपल है जिसमें ये शो किया गया है कि कैसे जो मैसेज है या फिर जो भी हम याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो हमारे ब्रेन में कैसे रिटेन करता है, वो कैसे हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है. तो इसमें हमने देखा था ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है इसको साइटोन कहते हैं, ये आपके एंड को एक्सॉन कहते हैं, और एक्सॉन और डेंड्राइट आपस में मिले होते हैं, ये एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं. तो बेसिकली जब भी हम कुछ देखते हैं तो होता क्या है कि माइलिन सीथ नाम का जो ऑर्गन है वो
एज ए मेमोरी यूनिट काम करता है और वो जो भी हम रिटेन करते हैं वो वहां जाके स्टोर होता है। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस माइलिन शीथ के सिंथेसिस के लिए। अगर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी होगा तो बॉडी में डीमाइलिनेशन हो जाएगा और डीमाइलिनेशन के चलते क्या होगा, जो भी हम देखेंगे पढ़ेंगे वो हमारा स्टोर नहीं होगा, जिसके चलते डेटा लॉस हो जाएगा या फिर सेंसिटिविटी भी लॉस हो सकती है और इंसान पैरालिटिक हो सकता है। तो सिंपली नर्व सेल हमारा काम कैसे करता है, जो नर्व इंपल्स होते हैं वो डेटा ट्रांसमिट करते हैं एक्सॉन टू डेंड्राइट। ये जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं माइलिन शीथ जो कि एक इंसुलेटिंग लेयर है वो वहां स्टोर्ड हो जाते हैं और प्रिवेंट होता है डेटा लॉस से। अगर ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ही बनाते हैं। अगर किसी पर्सन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होगी तो माइलिन शीथ नहीं बनेगी, जिसे डीमाइलिनेशन कहते हैं, उसके चलते डेटा लॉस हो जाएगा और इंसान पैरालिटिक हो जाएगा। सो बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो हमारे मेमोरी को बूस्ट करता है। कैसे? तो अगर ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन माइलिन शीथ नहीं बनाएगा तो हम मेमोरी को रिटेन, हम किसी भी चीज को याद नहीं कर पाएंगे और जब तक याद नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा मेमोरी बूस्ट नहीं होगा। सो बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या करता है, हमारे मेमोरी को बूस्ट करता है। नाउ फर्दर हमने देखा था बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का इंपॉर्टेंस और भी क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो है वो बाइकॉनकेव होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। तो ये जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी पार्ट और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड लाता है फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट टू लंग्स और लंग्स के बाद ये नाक के थ्रू एक्सहेल करा देता है। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का दो इंपॉर्टेंस हमने देखा, नर्व सेल कैसे ये मेमोरी को बूस्ट करता है और दूसरा कैसे ये आरबीसी को प्रोडक्शन में हेल्प करता है और आरबीसी कैसे हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। फर्दर हमने सोर्सेज ऑफ बी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो सेरल्स हैं। सेरल्स मतलब गेहूं चावल, ये जो है जो होल ग्रेन है, पॉलिश नहीं, जो होल ग्रेन होते हैं, एग्स होते हैं, मिल्क प्रोटीन हो सकते हैं, स्प्राउट्स ग्रेन हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पिछले लेक्चर में विटामिन का कैटेगराइजेशन से शुरू किया था और वाटर सॉल्युबल विटामिंस में हमने नॉन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ा था। अब बी कॉम्प्लेक्स के बारे में इंट्रो देखा, अब देखते हैं कि व्हाट आर द फर्दर बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस। सो बी कॉम्प्लेक्स जैसा मैंने पहले भी बताया, बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस जो है वो एक सीरीज ऑफ विटामिंस है, ये कोई एक सिंगल विटामिन नहीं है, ये सीरीज ऑफ विटामिन है जिसमें विटामिन B1 जिसका बायोलॉजिकल नेम है थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियाशिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 साइनोबेलेमिन। ठीक है, तो ये इनके बायोलॉजिकल नेम है और ये जो सारे हैं ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि क्या इस विटामिन के इम्पोर्टेंस हैं, क्या डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है और इसके सोर्सेज क्या हैं। नाउ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो विटामिन B1 जिसका बायोलॉजिकल नेम है थायमिन। अब नाउ इस विटामिन का नाम विटामिन B1 क्यों है, तो थायमिन विटामिन जो है ये फर्स्ट मेंबर है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का, इसलिए इसका नाम इसको B1 से डिनोट करते हैं। ये जो विटामिन है ये हेल्प करता है फॉर इन प्रिवेंशन ऑफ बेरी बेरी जो डिजीज होते हैं उसके प्रिवेंशन में ये हेल्प करता है, इसलिए भी इसको एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। थायमिन को हम एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। फर्दर ये इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है नर्वस सिस्टम में, तो थायमिन को हम इसलिए नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है इसलिए इसे ए न्यूरिन भी कहते हैं। सो विटामिन B1 क्या है, तो विटामिन B1 जो है उसका बायोलॉजिकल नेम थायमिन है, जिसे हम एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करता है बेरी बेरी डिजीज होने से। फर्दर इसे हम ए न्यूरिन भी कहते हैं क्योंकि ये नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो ये तो वही इसके इंपॉर्टेंस की बात, अब देखते हैं इसके डिफिशियंसी से क्या हो सकता है। तो
विटामिन बी1 जैसा कि हमने देखा, इसे एंटी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। तो विटामिन बी1 की कमी से हमें हमारे बॉडी में जो है वो इनडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर एनोक्सिया हो सकता है। एनोक्सिया का मतलब क्या होता है कि आपको भूख लगना खत्म हो जाए, आपको भूख ही ना लगे। तो बेसिकली इट्स डिफिशियंसी लेड्स टू जीआईटी डिसऑर्डर। जीआईटी डिसऑर्डर का मतलब कि आपका खाना नहीं पचेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, वोमिटिंग होगी। तो इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू जीआईटी डिसऑर्डर इन फॉर्म ऑफ इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब लॉस ऑफ हंगर, आपको भूख नहीं। जो मेजर डिजीज हैं जो इसके थायमिन के कमी से होती है, वो बेरी 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 बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी में आपका नर्व्स और मसल्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। नर्व्स में क्या होंगे, आपका सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी, मेमोरी डिसऑर्डर हो जाएगी। मसल्स में जो होते हैं वो आपको लेथार्जी हो जाएंगे, आपको चलने में तकलीफ होगी, आपको उठने का मन नहीं करेगा। वहीं वेट वेरी वेरी अगर किसी पर्सन को होता है तो उसमें बेसिकली आपका जो ब्लड वेसल है और हर्ट है वो आपका अफेक्ट होता है। तो ब्लड वेसल और हार्ट के अफेक्ट होने से क्या हो सकता है, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, मसल वीकनेस आ सकता है और हार्ट अटैक आ सकता है। कार्डियक अरेस्ट आने का मतलब आपको हार्ट अटैक आ सकता है। सो बेसिकली जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला नाम है वो है थायमिन। थायमिन को हम बी1 कहते हैं। बी1 क्यों, क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के सीरीज में सबसे पहला विटामिन है, इसलिए इसे हम बी1 कहते हैं। ये विटामिन बी1 या फिर थायमिन को हम एंटी बेरी बेरी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये बेरी बेरी डिजीज होने से प्रिवेंट करता है। इसे ए न्यूरिन भी कहते हैं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। फर्दर देखा हमने डिफिशियंसी से क्या होते हैं, तो डिफिशियंसी से जीआईटी डिसऑर्डर हो सकता है। जीआईटी डिसऑर्डर होने का मतलब हमें इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एनोक्सिया हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ हंगर हो सकता है। फर्दर जो मेजर डिजीज हैं वो बेरी बेरी हैं जो थायमिन की कमी से होते हैं। बेरी बेरी दो टाइप के होते हैं, वेट एंड ड्राई। तो इस प्रकार हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पहले सीरीज के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीरीज के पहले विटामिन बी1 मतलब थायमिन को कंप्लीट किया। चलिए फर्दर अब देखते हैं व्हाट इज विटामिन बी2। तो विटामिन बी2 जो है उसका बायोलॉजिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन विटामिन जो है मतलब विटामिन बी2, ये जो है ये हमारे लिप्स, माउथ या टंग पे प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे जो राइबोफ्लेविन विटामिन्स हैं ये हमारे लिप्स पे हो सकते हैं, माउथ में हो सकते हैं या फिर टंग में हो सकते हैं। विटामिन बी2 जो राइबोफ्लेविन है इसे हम लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। लैक्टोफ्लेविन कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें जो मिल्क का कंटेंट है वो ज्यादा है, इसलिए हमें हम राइबोफ्लेविन को लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। ये जो विटामिन है ये सेंसिटिव है लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। सो बेसिकली जो इसकी डिफिशियंसी होगी, जब भी किसी पर्सन में राइबोफ्लेविन की कमी होगी, तो उन्हें चूंकि ये जो विटामिन है ये प्रेजेंट है हमारे लिप्स, माउथ और टंग पे, तो जो भी पर्सन में इस विटामिन की कमी होगी तो उन्हें हो सकता है कि उन्हें स्किन में जलन हो। स्किन में जलन हो मतलब आपका जो भी स्किन है जलन हो सकती है। इसे हम बायोलॉजिकली या फिर टेक्निकल टर्म में कहते हैं डर्मेटाइटिस। फर्दर इसमें आपके टंग में भी जो जीभ है उसमें भी जलन हो सकती है, इसे हम ग्लॉसिटिस कहते हैं। और क्रैक्स हो सकते हैं आपके माउथ और लिप्स पे, जिसे हम चलोसिस कहते हैं। तो विटामिन बी2 जो है उसे हम बायोलॉजिकली राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसे लैक्टोफ्लोविन भी कहते हैं। लैक्टोफ्लोविन कहने का मतलब है कि इसमें मिल्क कंटेंट ज्यादा है। मेनली ये जो विटामिन्स होते हैं वो लिप्स, माउथ और टंग पे प्रेजेंट होते हैं। इसके डिफिशियंसी से आपके स्किन में जलन हो सकता है, आपके टंग में जलन हो सकता है, या फिर लिप्स और माउथ के जो कॉर्नर है या लिप्स में है उस पर क्रैक डेवलप हो सकता है, जिसे हम बायोलॉजिकली कहते हैं चेलोसिस। सो अब हम सोर्सेस के बारे में अगर बात करें, तो अगर सोर्सेस देखें तो वाइट बी2 जो कि राइबोफ्लेविन है, इसके सोर्सेस के बारे में देखें तो मिल्क, लीवर और किडनी, ये जो है ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन बी2 के।
नाउ बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में जो थर्ड विटामिन है वो है विटामिन बी3, जिसको जिसका बायोलॉजिकल नेम है नियासिन। सो नियासिन जो है उसे हम, नियासिन इज आल्सो नोन एज प्लेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर। ठीक है, प्लेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर, प्लेग्रा एक डिजीज है जिसे, तो विटामिन बी3 जो है नियासिन उसे हम प्लेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी प्लेग्रा फैक्टर, मतलब ये प्लेग्रा जो डिजीज है उसे होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो विटामिन बी3 के सिंथेसिस के लिए जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, ट्राइटोफैन की। तो जब तक बॉडी में इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होगी तब तक विटामिन बी3 हमारा डेवलप नहीं होगा। सो इसेंशियल अमीनो एसिड ट्राइफॉस्फेट इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर फॉर्मेशन ऑफ विटामिन बी3 और नियासिन। फूड सोर्स कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ नियासिन, दैट इज विटामिन बी3। और विटामिन बी3 को हम प्लेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी कहते हैं। तो विटामिन बी3 मतलब जो नियासिन है, इसके डिफिशियंसी से एक डिजीज होती है, जैसा हमने पहले अभी देखा, जैसे प्लेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी कहते हैं, प्लेग्रा एक डिजीज है। इसके वेरियस सिम्टम्स हैं, जैसे डर्मेटाइटिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा पेशेंट को, या फिर डीमेंटल हो जाएंगे, मतलब वो उनका मेमोरी लॉस हो जाएगा। और इन सब बीमारियों का अगर इलाज नहीं हुआ तो दिस में लेड टू डेथ, इसके चलते पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो फ्लैग्रा क्या है? फ्लैग्रा जो है एक विटामिन डिफिशियंसी डिजीज है, जो कि बेसिकली जो होता है वो नियासिन के विटामिन बी3 के डिफिशियंसी से होता है। जो फ्लैग्रा है वो उसे हम उसके सिम्टम्स को अगर डिफाइन करें तो 4DS के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया एंड दिस लेड टू डेथ। तो 4D, 4D का मतलब क्या है? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंटिया एंड डेथ। तो इस प्रकार हमें विटामिन बी3 की कमी से जो है प्लेग्रा हो सकता है, प्लेग्रा लीड्स टू डेथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा बी कॉम्प्लेक्स सीरीज के बारे में, हमने देखा आज की बी कॉम्प्लेक्स में सीरीज ऑफ विटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन बी3 को हमने कवर किया जिसका नाम है थायमिन, विटामिन बी2 को हमने कवर किया जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, एंड विटामिन बी3 को कवर किया जिसका नाम है नियासिन। और फर्दर हमने देखा इसके डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो नियासिन की बीमारियां से प्लेग्रा होती है। सो आज के इस लेक्चर में हमने यही देखा, अब फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।